नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ हरियाणा महिला पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा फीमेल पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, जो कल इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब ज्यादातर फीमेल मेरे पास कमेंट कर रही है कि हमारे इतने क्वेश्चन सही थे लेकिन हमको तब भी पास नहीं किया, हमारे इतने नंबर आ रहे थे तब भी हम फेल हो गए और जिनके कम नंबर थे वो पास हो गए। तो उसी मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ, आखिर ये क्या हो गया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं बच्चों के, सबसे बड़ी बात है कट ऑफ क्या गई है, कितने वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो भी फीमेल फेल हुई है ध्यान से सुन लेना, जिनको भी फिजिकल का कॉल नहीं आएगा, मतलब कि जो फेल हो गई है, उनको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जो भी आप मेरे पास कमेंट कर रही थी कि हमारे इतने क्वेश्चन सही है तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनके कम नंबर थे उनका भी सिलेक्शन हो गया, उसी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं। तो चलता हूं टॉपिक के ऊपर। उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिसे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। अब आपको मैं बता दूं, कल यानी 7 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जो हमने कट ऑफ बताई थी उससे कहीं ना कहीं ज्यादा गई है। और ऐसे भी बच्चे हैं, ध्यान से सुन लेना, ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी फीमेल है जिनके क्वेश्चन कितने सही थे, 56-57 क्वेश्चन सही थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। और ऐसी भी फीमेल है जिनका एग्जाम 18 तारीख को था, उनके 64-65 क्वेश्चन सही थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे भी दोस्तों सामने है ऐसी फीमेल जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो मेरे पास कमेंट कर रही है कि मेरे 62 क्वेश्चन सही थे तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और फलाने का 52 क्वेश्चन थे, 54 क्वेश्चन सही थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का हाल है। क्या है नॉर्मलाइजेशन का है, ज्यादातर जो सिलेक्शन हुए हैं, ज्यादातर फीमेल जो पास हुई है वो 19 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था ना उनको उन्होंने ले लिया। इसका मतलब यह है कि 18 तारीख को जो एग्जाम था ना उनके 64-64, 62-62, 65-65 क्वेश्चन सही थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है आखिर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ कितनी गई और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े। दोस्तों यदि आप जाके देखोगे ना साइट पे तो कहीं पर भी ऐसा HSSC ने नहीं बताया है कि कितनी तो कट ऑफ गई और कितने कितने बच्चों के नंबर बढ़े, फीमेल के कितने कितने नंबर बढ़े। 18 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें कितने नंबर बढ़े, 19 तारीख वाली शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े, कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं। ये दोस्तों आपके साथ धोखा है, HSSC को पहले बताना चाहिए कि कितने नंबर बच्चों के बढ़े हैं, कितने घटे हैं। किसी को कोई नहीं बताया, डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया और जिनके अच्छे खासे नंबर थे वो तो हो गए फेल और जिनके कम क्वेश्चन सही थे उनको भी कर दिया पास। इसका मतलब यह है कि 18 तारीख को जो शिफ्ट में एग्जाम था उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़े, उनके कम हुए हैं, और जो 19 तारीख को एग्जाम था उनके नंबर बढ़े हैं। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है दोस्तों, क्यों हुआ है मैं आपको बता दूं। हम भी मानते हैं नॉर्मलाइजेशन सबके लिए समान है, लेकिन उनको पहले जब आपका नोटिफिकेशन आया था तभी जारी कर देना चाहिए कि हम इस वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन लागू करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यदि आप नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हो तो फिर क्या करो, फिर नेगेटिव मार्किंग भी रखो। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और उन्होंने क्या कर दिया, कोई पेपर हार्ड कोई शिफ्ट, और जो 19 तारीख को एग्जाम था उन बच्चों को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी और उनको फिजिकल में बुला लिया जाएगा। तो आपके जो कमेंट आ रहे थे ना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही है, मेरे इतने क्वेश्चन सही है, तो मैंने आपका एक एक डाउट वापस से ले लेता हूं। पहला डाउट ले लेता हूं, कट ऑफ पे कितनी गई, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, जिनके 56-57 क्वेश्चन थे ना उनको तो उन्होंने पास कर दिया और जिनके 64-64 क्वेश्चन थे वो भी फेल हो गई है फीमेल। ठीक है, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने जो ना आपको बताया था ना कट ऑफ लगभग उतनी गई है। जब आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों, फाइनल रिजल्ट जब आपकी कट ऑफ आएगी तब आप देख सकते हो, जो मैंने बताई थी लगभग उतनी रहने वाली है। लेकिन बहुत फीमेल ऐसी हैं जो ना कुछ भी है, जो मेरे पास कमेंट कर रही है कि आपने बताया था कि 61 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 62 पे हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नॉर्मलाइजेशन का हाल है और नॉर्मलाइजेशन ने सबकी ऐसी तैसी करके रख दी। दूसरे नंबर पे आते हैं नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने नंबर बढ़े ये भी अभी नहीं बताया गया है। यदि आप साइट पे जाके देखोगे कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है कि 18 तारीख वाले फीमेल को कितने नंबर मिले, 19 तारीख वाले को कितने नंबर मिले, कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर है ज्यादातर जो फीमेल पास हुई है वो 19 तारीख वाली फीमेल पास हुई है, तो इसका भी हम जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन जो फायदा हुआ है ना 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट
वाली फीमेल को ज्यादा फायदा हुआ है। अब सबसे बड़ा बात यह आती है कि ज्यादातर फीमेल अब टेंशन में है कि हमारे इतने क्वेश्चन सही थे, हमारा तो वाली उनका सिलेक्शन होगा, तो आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक पेपर में फेल होने से पूरी जिंदगी फेल नहीं होती, आगे बहुत वैकेंसी है, जम के तैयारी करो, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा। हम एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और उसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बारे में आवाज उठाएंगे। ठीक है, तो सबको मेरा साथ जरूर देना है। मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कब आपको ट्वीट करना है, क्या ट्वीट करना है, अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे पास कमेंट कर रही थी ना कि मेरे इतने नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ये HSSC के कारण ही दोस्तों ये हाल हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ है। ठीक है, अब सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि जो भी फीमेल पास हुई है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से यही दुआ करता हूं आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इतना जरूर कह देता हूं, अब जो भी फीमेल पास हुई है फिजिकल के लिए, जिनको बुलाया गया है, ठीक है, जो भी पास हो गई है उनको आप जोरदार तरीके से फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिला। 11 अक्टूबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, ज्यादा समय नहीं है, तो जोर शोर से फिजिकल की तैयारी करो। जो भी आपके नंबर आए हैं ना, सब पे पानी फिर जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूं रनिंग करो, दौड़ करो, जिससे आराम से आपका सिलेक्शन हो सके। अगली वीडियो आएगी जिसमें आपको बताऊंगा फिजिकल के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं, और दोस्तों कैसे फिजिकल होगा, कितना आपको दौड़ करनी है, कैसे दौड़ करनी है, सब कुछ आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है। तो ज्यादातर फीमेल मेरे पास कमेंट कर रही थी कि ये क्या हुआ, हमारे इतने अच्छे नंबर थे तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और फलाने के इतने कम नंबर थे उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, ये सब कुछ हुआ है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के कारण। और अभी किसी को कोई पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े, कट ऑफ क्या गई, कम गई, ज्यादा, कौन सी शिफ्ट को लाभ हुआ, कौन से को नहीं हुआ, हम कुछ नहीं कह सकते। तो सभी मुद्दों पे मैंने बात कर ली। अब भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है, बेझिझक कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चीज को जरूर दबा लेना, जिसे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके।